இது வந்து 120 வண்டி இங்க இருந்து கிளம்புதுங்க தமிழ்நாடு போற வண்டிங்க இந்த கிறிஸ்மஸ் நாள்ல நியூ இயர் நாள்ல வந்து ஃபுல் यहां पे बहुत सारे स्विचेस है बटन्स है उसके लिए रूफ स्विच है रूफ हैच 1 रूफ हैच 2 ट्यूबलाइट स्विच है नाइट लैंप स्विच है रीडिंग लैंप हियर ही आई शिफ्ट गियर सिस्टम वाल्वो की इसमें टोटल 16 गियर रहते हैं 12 गियर्स आर फ्रंट गियर एंड रिमेनिंग 4 गियर्स आर रिवर्स गियर्स सो दिस इज द बीएमटीसी मेन बस स्टैंड सो हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग फ्रॉम बी एम टी सी बेंगलुरु आई मीन बेंगलुरु बी एम टी सी बस स्टैंड सो आज अभी मैं हूँ बेंगलुरु के बी एम टी सी के सेंट्रल मेन बस स्टैंड पे तो इधर से अभी मैंने टिकट बुक किया है और मैं जा रहा हूँ चेन्नई के लिए तो के एस आर टी सी का जो एकदम प्रीमियम क्लास है जो कि वॉल्वो 9600S अंबारी उत्सव तो उस बस से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फ्रॉम बेंगलोर टू चेन्नई तो अभी बज रहे लगभग 2 बजे का बस है तो मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी आके बीएमटीसी का बस स्टैंड पूरा आपको दिखाऊं और जर्नी हम लोग 2 बजे के बाद स्टार्ट करेंगे तो यू कैन सी दिस इज़ द केएसआरटीसी स्टॉप आगे जो ए सेक्शन है उधर पे केएसआरटीसी की सभी बसेस खड़ी रहती है तो ये पूरा ब्लॉक जो है ये केएसआरटीसी के लिए रिजर्व है बीएमटीसी बस स्टैंड में सो अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ऊपर हूँ तो इधर सेक्शन नंबर 2 जो है ये पूरा तमिलनाडु का पूरा बस ऑपरेट इधर से होता है तो सेक्शन नंबर 2 पे जो तमिलनाडु के इंचार्ज है उस सर से हम लोग कुछ बात करते हैं यहाँ से जो ये बेंगलोर का है बेंगलोर का जो है शांतिनगर बस स्टैंड है यहाँ से सारा जो बसेस जाता है तमिलनाडु के लिए जाता है एसीटीसी स्टेट एक्सप्रेस रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है चेन्नई मदुरई कन्याकुमारी नारकोइल मार्तांडम कोडैकनाल ऊटी सारा बस यहाँ से ही निकलता है सारा पैसेंजर्स लोग पूरे इधर से ही निकलता है तो क्रिसमस की वजह से सारा बहुत क्राउड है वो क्राउड की वजह से सवेरे से ही पूरा गाड़ी डाल दिया कम से कम यहाँ से जो गाड़ी निकलता है 120 गाड़ी निकलता है 120 व्हीकल्स आप कहाँ से कहाँ तक भी जाके आप लोग पहुँच सकता है कौन कौन सा क्लास है बसेस का क्लासेस है और स्लीपर है सेमी स्लीपर है और नॉन एसी भी है और एसी भी है இது வந்து 120 வண்டி இங்கே இருந்து கிளம்புதுங்க தமிழ்நாடு போகிற வண்டிங்க இந்த கிறிஸ்மஸ் நாள் நியூ இயர்னால வந்துட்டு ஃபுல் க்ரௌடாக இருக்குது மார்னிங்லேருந்து வண்டிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டுக்கிறோம் எல்லா ஊருக்கு கிளம்புது மதுரை கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் கோயம்புத்தூர் மதுரை எல்லா ஊருக்கு ஊட்டி கொடைக்கிற எல்லா ஊருக்கு கிளம்புது இங்கே இருந்து வண்டிங்க सो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म नंबर 1 आगे ऐरावत की बस खड़ी है और इधर से पूरा कर्नाटक राज्य की बसेस ऑपरेट होती है इधर से ही मेरे को अभी चेन्नई के लिए भी बस मिलेगी और यहाँ पे देख सकते हो आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे तमिलनाडु की बसेस खड़ी है तो अभी सर मेरे को लेकर जा रहे हैं केएसआरटीसी के मेन वर्कशॉप में अभी इन्हीं के थ्रू मेरे को पता चला कि आज के दिन ही केएसआरटीसी कार्गो सर्विसेज लॉन्च कर रहा है तो कार्गो के नए ट्रक अंदर वर्कशॉप में खड़े हैं उसका इनॉग्रल रन आज होने वाला है और उधर छोटा सा एक कार्यक्रम चालू है तो हम लोग उधर जाएंगे और देखते हैं केएसआरटीसी का कार्गो सर्विस विच इज़ कम्प्लीटली ब्रांड न्यू सर्विस तो अभी मैं खड़ा हूँ केएसआरटीसी का जो वर्कशॉप है बीएमटीसी का मेन वर्कशॉप कर्नाटका का तो उस प्रीमाइसिस के बाहर खड़ा हूँ और पीछे आप लोग देख सकते हैं कि केएसआरटीसी का जो कार्गो है रिसेंटली आज ही लॉन्च हुआ है तो कार्गो अंदर खड़े हैं विच आर कम्प्लीटली ब्रांड न्यू कार्गो तो अंदर तो जाने को पॉसिबल नहीं है मेरे को बट मैं बाहर से आपको दिखा देता हूँ तो पूरा ले लिया ऐसे ले रहा सो आगे आप लोग देख सकते हैं ये है बीएमटीसी का वर्कशॉप बेंगलुरु सेंट्रल का और आगे जो नए ट्रक खड़े हैं वो है केएसआरटीसी का नए से लॉन्च हुआ कार्गो सर्विसेज साइड में ही वॉल्वो का डेपो है वॉल्वो की जितने भी कर्नाटका की बसेस है वो उसके साइड पे ही पार्क होते हैं और उधर ही उनका मेंटेनेंस किया जाता है बस अभी बीएमटीसी के वर्कशॉप में से बाहर निकल चुका है 5 ही मिनट में बस आएगा इधर
प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर मेरे पीछे अभी आ रहा हुआ दो खड़ी है, एक जा रही है ऊटी और एक जा रही है मैसूरु। तो अभी तीसरा जो बस आएगा वो आएगा अंबारी ड्रीम प्लस अंबारी उत्सव, वो लो 9600। तो अभी बस आने के बाद हम लोग देखते हैं बस का पूरा इंटरनल व्यू, एक्सटीरियर व्यू और बस की पूरी टेक्निकल डिटेल्स, और साथ ही जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे KSRTC का अंबारी उत्सव, ये क्लास है मेरे पीछे, वोल्वो 9600 इज फाइनली अराइव्ड एंड टुडे आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम बेंगलुरु टू चेन्नई। तो हम लोग अभी जा रहे हैं बेंगलुरु टू चेन्नई वोल्वो 9600, कर्नाटका मोस्ट प्रेशियस क्लास एंड लग्जरियस क्लास अंबारी उत्सव। टोटल 320 किलोमीटर्स का ये बेंगलुरु टू चेन्नई डिस्टेंस है। तो अभी 2:05 हो गए हैं, तो बस अभी कितने बजे निकलते हैं उसके हिसाब से हम लोग चेन्नई में पहुंच जाएंगे। ये अंबारी उत्सव, ये पूरे इंडिया में बहुत इसका नाम हो गया है, और वो इतना बस फेमस क्यों है ये इसमें ट्रैवल करने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। बस का डिज़ाइन टॉप लेवल पे। अभी मैंने ड्राइवर अन्ना से बात की, बस पूरी फुल है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, अभी क्रिसमस है, लॉन्ग वीकेंड है सभी लोगों को, तो बस कम्प्लीट पैक है। अभी इधर से BMTC से ही पूरा बस फुल हो चुका है, और बेसिकली ये जो बस है ये पूरा एक्सप्रेस बस रहता है, अंदर किधर भी नहीं जाता, सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए और डिनर के लिए दो ही टाइम बस रुकता है, अदरवाइज ये बस सभी बाईपास होके सीधा चेन्नई जाता है। अभी हम लोग जाते हैं बस के अंदर, अंदर का व्यू देखते हैं बस का। सो दिस इज द इनसाइड व्यू of the bus. ये मेरा सीट है ऑफ द बस। सो यहाँ पे बहुत सारे स्विचेस हैं, बटन्स हैं, उसके लिए रूफ स्विच है, रूफ हैच 1, रूफ हैच 2, ट्यूबलाइट स्विच है, नाइट लैम्प स्विच है, रीडिंग लैम्प, रूट बोर्ड स्विच, ड्राइवर लैम्प स्विच, डमी सॉकेट भी इधर प्रोवाइड किए हैं, डमी स्विचेस है, फ्यूचर में अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो उधर कनेक्शन ले सकते हैं हम लोग। इंजन रिटार्डर स्विच है अलग से, इधर डिजिटल स्पीडोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर, ये सब चीज़ें हैं इधर। इधर ये वॉल्वो का ब्रांडिंग किया है, और इस साइड पे आप देख सकते हो AC का टेम्परेचर, इमरजेंसी लैम्प स्विच, बर्थ नंबरिंग स्विच है, बर्थ का जो अंदर हमें LED में दिखता है बोर्ड, उसके लिए इधर अलग सा स्विच है। उसके बाद इधर भी डमी स्विच है, और USB चार्जर स्विच भी इधर डेडिकेटेड दिया हुआ है, और इधर आप देख सकते हो इमरजेंसी स्टॉप स्विच भी है जिससे दबाते पूरी बस रुक जाएगी। यह ही आई शिफ्ट गियर सिस्टम वॉल्वो की, इसमें टोटल 16 गियर आते हैं, 12 गियर्स आर फ्रंट गियर एंड रिमेनिंग 4 गियर्स आर रिवर्स गियर्स। सो दिस इज द वॉल्वो गियर सिस्टम, आई शिफ्ट गियर सिस्टम वी कॉल इट एज। ड्राइवर केबिन में भी AC है, ड्राइवर लैम्प स्विच ये देख सकते हो आप लोग, इधर भी एक इमरजेंसी इंडिकेटर अलार्म दिया है, इधर एक सॉकेट है। यह ड्राइवर अन्ना की सीट, और ये ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड हाइड्रोलिक डोर। हेलो टू पार्टी आगे मैडम, टू पार्टी आगते संजय सत्र संजय संजान संजान मडिवाला हाँ। तो अभी मैं मेरे सीट के ऊपर आ गया हूँ, ये मेरा L लोअर 14 नंबर का सीट है, जो सेकंड लास्ट सीट है, क्योंकि जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो इसी सीट को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर कंफर्ट बहुत मिलता है। और ये जब भी बुकिंग करते समय मैं ये ध्यान में रखता हूँ कि साइड लोअर ही मेरे को मिल जाए,
क्योंकि अपर में क्या होता है कि थोड़ा बैठने में प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए लोअर सीट हमेशा प्रेफर करता हूँ। तो अभी हम लोग थोड़ा इन डिटेल ये सिटिंग पोजीशन उनका अरेंजमेंट देखते हैं। आप अगर देख सकते हो तो ये है, आप अगर बैठ के जर्नी करना चाह रहे हो तो ये कंफर्ट के लिए पिलो एज अ पिलो करके दिया है। इधर वॉल्वो का ब्रांडिंग दिख रहा है आपको। ये रहा एसी का डक्ट, ये है एसी का डक्ट, ये रहे दो लैंप, ये है रीडिंग लैंप और दूसरा है ये रीडिंग लैंप का बटन है और ये नाइट लैंप का बटन है। तो इधर देख सकते हो आप लोग, ये दो लैंप है एकदम, ये नाइट लैंप दबाने के बाद ये नाइट लैंप चालू होगा और ये है रीडिंग लैंप, इसका बटन ये है। बस में कंफर्ट तो आपको पता है बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, बस का कंफर्ट एकदम परफेक्ट है क्योंकि बस वॉल्वो की है। साथ ही में सिटिंग पोजीशन एकदम परफेक्ट दिया है। अभी मैं इधर एकदम अच्छी तरीके से एकदम रेस्ट करके बैठा हूँ। और बस की एक ख़ास बात ये है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि बस के ऊपर जो ग्राफिक्स का काम किया है, कौन सी भी बस आप ले लो वॉल्वो या फिर कौन सा भी एकदम प्रीमियम लग्जरियस क्लास का बस ले लो, तो उसके ऊपर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि बस का इंटीरियर और बाहर का एक्सटीरियर। तो अभी रिसेंटली वॉल्वो खुद से भी डिज़ाइन कर रहा है बस को। तो एक बात इसमें एडिशनली मैं कहना चाहूँगा कि बस का जो बाहर का एक्सटीरियर जो है उसका जो लुक देने का एक ट्राई किया है अंबारी करके, और ये एलिफेंट का वगैरह ग्राफिक्स और जो पूरा ग्राफिक्स उधर शो किए है वो मतलब मीनिंगफुल है। उसको मतलब लोग अगर फर्स्ट टाइम देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। अभी बस मेरी गुजर रही है हाईवे से, तो जो जो लोग बस के ऊपर देख रहे हैं, बस को देख रहे हैं, वो दो मिनट के लिए देखते ही रह रहे क्योंकि कुछ तो यूनिक और कुछ तो नया दिख रहा है। साथ ही में बस का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी एकदम परफेक्ट है। लाइट ब्लू कलर में बस का पूरा बॉडी रखा गया है, तो वो कलर एकदम आई कैची है ऐसा एकदम। तमिलनाडु में एंटर कर चुके हैं। हमारी गाड़ी अभी होटल सरावना भवन यहाँ पे खाना खाने के लिए ब्रेकफास्ट के लिए रुकी है। 15 मिनट्स का ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम लोग फिर से चल पड़ेंगे चेन्नई के लिए। यहाँ के लोकेशन का नाम है कोल्लमपल्ली। कोल्लमपल्ली से थोड़े आगे हम लोग आके रुके हैं। इधर से और 270 किलोमीटर का डिस्टेंस रिमेनिंग है लोगों को, और 5 घंटे लगेंगे चेन्नई को रीच होने में। ये अंबारी उत्सव 9000 वॉल्वो मल्टी एक्सल स्लीपर, ये ग्राफिक्स है बस के ऊपर का सेलिब्रेशन ऑफ जर्नी। इधर ये ग्राफिक्स आप लोग देख सकते हो, और इधर ये एलिफेंट हाथी का डिज़ाइन बहुत ही अच्छी तरीके से इधर लगाया। ऊपर की तरफ राजा और रानी, और ये हाथी मतलब हाथी सवारी लेके जा रहा है, तो ये इतना इन डेप्थ इसका मीनिंग है। एक हाथी है और हाथी सवारी लेके जा रहा है किधर को, तो यही ये बस का मीनिंग है कि अंबारी उत्सव। अंबारी मतलब हाथी, हाथी के ऊपर सवारी। अंबारी उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ जर्नी 9000 वॉल्वो मल्टी एक्सल स्लीपर बस। बस का एयर सस्पेंशन फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है। अभी अंडा ने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर ऑन किया तो बस थोड़ी नीचे थी वो अब थोड़ी हल्की सी ऊपर आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो। पैसेंजर से जा रहे हैं, बोर्ड हो रहे हैं गाड़ी में।
बस से ट्रैवल किया था, वेरा ट्रैवल्स के बस से ट्रैवल किया था, वो भी वॉल्वो 9600 एस सीरीज थी। बट इन दोनों बस में एक मेजर डिफरेंस ये है कि अभी मेरा यहाँ इस बस का मतलब के एस आर टी सी का अंबारी उत्सव का जो टिकट मैंने बुक किया था, इसका भी मेरा सीट नंबर 14 ही है। और जब मैं मुंबई टू बैंगलोर आया था तो वो भी सीट नंबर 14 ही था। बट मेजर डिफरेंस इज अभी ये सीट के नीचे से हीट आ रही है, दैट मीन्स आई एम सिटिंग ऑन द इंजन, बिकॉज इसके नीचे पूरा इंजन सेक्शन आता है। तो आई थिंक इंजन ओवरहीट हो गया होगा या फिर नीचे जो हीटिंग शीट्स रहती है वो काम नहीं कर रही है। आई डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, बट मेरे को हीट लग रही है। अभी बाहर तो ठंडी है इसलिए कोई टेंशन नहीं, अच्छा लग रहा है, बट इन समर दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम। तो आई डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली द रीज़न। और क्योंकि मुंबई टू बैंगलोर आया था तो वो भी लगभग 22 घंटे का जर्नी किया था, तब ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। सो वो एक डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि इस बस का जो सॉकेट है, मतलब चार्जिंग अडैप्टर सॉकेट, तो उसमें दोनों सॉकेट को भी इन्होंने माइक्रो यूएसबी ए टाइप का इनपुट प्लग दिया है। सो आपको अगर फ़ोन चार्ज करना होगा है आपका, तो आपको A2C या A2B ये केबल लगाना पड़ेगा। तो ये एक मेजर अपडेट है, क्योंकि उसमें डेडिकेटेड टाइप सी टू टाइप सी का भी ऑप्शन था। ये जो इंडियन बसेस का ट्रैवल है, ये जो इंडियन लग्जरियस बसेस है, तो इसे ट्रैवल करने का मेरा एक ड्रीम था, वो फाइनली अब पूरा हो रहा है। अभी मेरे को, मैंने आपको दिखाया मुंबई टू बैंगलोर मैंने जर्नी किया, बाद में भी बैंगलोर टू चेन्नई अभी मेरा जर्नी चल रहा है, उसके बाद चेन्नई टू बैंगलोर एक स्पेशल बस है तो उससे भी मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। वो ट्रैवल होने के बाद एक मेजर अपडेट दे रहा हूँ मैं आज आपको, तो मैं इंडिया लॉन्गेस्ट रूट कवर करने वाला हूँ बाय वॉल्वो B11R। तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया आ गया होगा मैं कौन सा रूट कवर करने वाला हूँ। जस्ट एक हिंट देता हूँ आपको कि मैं मेरा ट्रैवल बैंगलोर से ही स्टार्ट करने वाला हूँ, आप समझ गए होंगे। अगर आपको पता चल जाए किधर जा रहा हूँ मैं, तो कमेंट बॉक्स में वो रूट मेंशन कर दीजिए। अभी 9:45 हो रहे हैं, तो अभी लगभग 15 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा है। 15 किलोमीटर के बाद पहुँचेंगे हम लोग चेन्नई। तो देखते हैं, एक 20 या 25 मिनट्स में हम लोग रीच होंगे चेन्नई में। तो दोस्तों अभी बज रहे 10:30 और मैं फाइनली चेन्नई तक पहुंच गया हूँ। अभी चेन्नई का जो सेंट्रल मेट्रो स्टेशन है उधर मेरे को बस ने ड्रॉप किया, ये लास्ट स्टॉप है चेन्नई का। सो फाइनली आई एम इन चेन्नई। तो ये जर्नी आपको कैसा लगा है डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट जर्नी में कौन सा करूँ ये भी आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए मैं साइनिंग ऑफ करता हूँ। जय श्री राम।